अपने होमवर्क में हाँ वी विल ट्राई टू क्रिएट व्हाट एक्स स्क्वायर सर। माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ताकि डिवाइड करके ये बना दें यस और सर, फिर टी पुट करेंगे, राइट? यस सर। ठीक, चलो इन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, कोई डाउट नो इसमें? डाउट फोर्थ सर, हो गया एवरीवन? क्या यस सर। किया दूसरे बच्चे बताओ? आयुष कॉन्फिडेंट लग रहा है, दूसरे कोई बताओ? स्क्वायर प्लस वन माइनस वन करेंगे न्यूमरेटर वेरी में। गुड। यस सर, जैसे मैंने अभी भी इंसिस्ट किया कि वी वुड प्रेफर टू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर को तुम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे? ए टाइम्स दिस प्लस बी टाइम्स दिस। समझ में आया यस सर, एवरीवन? तो यस सर। जो बच्ची बोल रही है इज हाफ, बी इज माइनस, बी इज ऑल्सो हाफ। आई होप क्लियर है एवरीवन। थैंक यस सर, यू सर। यस सर, हाफ टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब दो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो यस सर। दो और क्वेश्चन करो। चलो ये वाला ऑफ सेक्स पे करो। फिफ्थ तो हो गया होगा, वापस वैसा ही क्वेश्चन है एवरीवन। फिफ्थ यस सर, में वन, जो ऊपर वन है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है? ए टाइम्स बोलो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस बी एक्स, टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यस यहाँ सर, पे ए हाफ आ जाएगा, बी माइनस हाफ आ जाएगा, सेम क्वेश्चन क्या यस ना? सर, यस सिक्स सर। करो, सिक्स करो। कोई स्टेप्स हुए? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा सर टाइम दीजिए प्लीज। ठीक है।
इतना लास्ट 30 seconds कैन आई से सर, 1 मिनट और चलो. चलो अब डिस्कस करेंगे और इफ यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर. यस सर. ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी क्या करें सर? पहले जो ऊपर वाला ब्रैकेट है उसे x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. x स्क्वायर से डिवाइड कर दें. चल मेरे को, चलो बोलो आगे कंटिन्यू कर. x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अब सर इसके आगे तो स्ट्राइक नहीं हो पाया, बस इतना ही. नहीं मतलब ये सही नहीं जा रहा इसलिए मैं. Anybody else? सर, फोर से डिवाइड कर. नाम बोलो बच्चों और फिर बोलो. सर शुभम. शुभम बोल पहले. सर एक्स टू द पावर फोर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें. एक्स की पावर फोर से. बट आई होप तेरे को याद है हमें तो 1 - 1/x² या 1 + 1/x² पसंद है. बट ठीक है चल कर लिया. आगे सर नीचे एक एक्सक्वायर कट हो जाएगा. हाँ सर उसके अंदर सर स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे दूसरा एक्सक्वायर. वो x4 हो जाएगा अंदर ना. यस सर. सर इसके आगे नहीं समझ थोड़ा सा सही जा रहा था बट फिर अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. क्या कि एक्स के पर पूरा 4 अंडर नहीं जानना है. और कोई बताना चाहेगा मैं बता दूंगा. एक्चुअली फिर मैं इसे बेटर है कोई और बोलना चाहेगा तो. सर सिर्फ एक्स स्क्वायर को अंदर लेंगे. चल अब मैं बता रहा हूँ. देखो भले इसके बाद वो करो या शुरुआत से ही वो करो. मैंने क्या बोला था, यू वुड लव टू क्रिएट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन. वो शुरुआत से ही वो बनाओ ना. इस स्टेप के बाद भी कर सकते थे बट ठीक है शुरुआत में ही करते हैं ताकि तुम्हें अपेरेंटली और ज्यादा दिखेगा. ये हो गया ठीक है. अब तुम्हारे पास दोनों ही मिल गए बट दोनों को वो था ना बनाओगे 1 + 1 जैसे इसको 1 + 1/x² बना सकता हूँ और इसको 1 - 1/x² बना सकता हूँ. दोनों में से किसी एक को ही बनाऊंगा ना एवरीवन ऑब्वियसली. यस सर. यस तो वो एक को ही बनाऊंगा मतलब किससे डिवाइड करूंगा एक्चुअली. सर x² से डिवाइड करेंगे. x² से डिवाइड करता हूं. चलो तो ये x² से डिवाइड कर दिया तो यहां भी x² से डिवाइड कर दिया. करेक्ट. यस. हां भाई. यस सर. अब ये x² 1 - 1/x² बना देगा. अगर ये 1 - 1/x² बना है तो हमें x + 1/x चाहिए होता है. एग्री करो. यस सर. यस सर. तो मुझे दिख गया कि किस तरीके से बोले हैं कि इस x² को नहीं या फिर ऐसा करते हैं ये x² तो चलो उड़ जाएगा क्योंकि बोलो उड़ गया. अब मुझे इस x² + 1 को ये बना सकता हूँ मैं कैसे x से डिवाइड करके. यस सर. अब ऑन एग्री करो. 1 - 1/x² अभी तक ये है. सही लिखा ना बच्चों? हाँ सर. यस. तो मैंने डिसाइड किया कि इसको भी वो बनाना है तो इसलिए इसको x से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x से डिवाइड करना है सेम एज अंदर x² से डिवाइड कर दिया. बताओ. ओके. यस सर. यस सर. तो अब कितना हो गया देखो. फर्स्ट टर्म x + 1/x, दूसरा 1 - 1/x² dx और नीचे अंडर रूट ऑफ x² / x² इज x² + 1 + 1/x² साउंड्स गुड? यस सर. आप किसको टी रखूंगा जल्दी बोलो. x + 1/x को टी रखूंगा ताकि 1 - 1/x² dx/dt हो गया. सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t dt ओवर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर x + 1/x² + 2 इज t² करेक्ट बच्चों? यस.
सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टू ना इसकी वैल्यू तो, फिर वो ओवरऑल डिसमिनेशन और फिर प्लस वन तो टी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा करेक्ट। यस सर। अब तो इजी सब्स्टिट्यूशन वापस रख दो तो क्वेश्चन हो गया ना। यस सर। यस सर। टी डी टी इज वाई डी वाई, सो देयरफॉर ऊपर आ गया वाई डी वाई, नीचे आ गया वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई प्लस सी। क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉपी करो जल्दी से। स्क्रॉल अप है क्या जो स्क्रॉल अप करूं? सो लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन क्या? सो और माइनस वन एक्स वन अपॉन एक्स के वाला पार्ट। बच्चे तो कब से कॉपी कर रहे हो, कुछ तो करो ढंग से। लास्ट फाइव सेकेंड्स तो कॉपी हरी अप। ओके कैन आई मूव नाउ एवरीवन? Yes sir. Yes sir. Without? No sir. No sir. Okay, अब आगे बढ़ें। Okay, last profile, profile number? 12. Profile 12. Important one also. कुछ question पूछे जाते हैं, but ठीक है। हाँ। ये वाली हमने प्रोफाइल करी है क्या कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक? यस सर। यस सर। dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक करी है? यस सर। यस यस। ये तो सबसे मेन वाली प्रोफाइल है करेक्ट ना? यस सर। यस सर। ओके उसके बाद ये भी करी है कि लीनियर ऊपर हो जाती है? यस यस सर। बट अगर लीनियर नीचे हो जाए वो नहीं करी। व्हाट राइट एवरीवन? यस सर। तो वो कर रहे हैं क्या कि क्वाड्रेटिक टर्म है नीचे और लीनियर टर्म भी नीचे है, ऊपर होता है वो तो प्रोफाइल 6-7 में आ जाता है। यस सर। अब यहाँ पे नीचे dx अपॉन लीनियर रूट लीनियर पहला, फिर dx अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, फिर dx अपॉन क्या होगा लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। यस सर। और फिर dx अपॉन लास्ट वन विल बी क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। तो सब नीचे है ना, ध्यान से देखना। Yes, तो मैं इन सब में बताऊंगा क्या करना है, फिर तुम क्वेश्चंस करोगे, दैट विल गिव यू एक्सपीरियंस। बट लेट्स सी व्हाटएवर इनडेफिनेट नॉलेज अभी तक हो गई तुम्हें, तो फर्स्ट केस का बताओ। फर्स्ट केस कि अगर कोई क्वेश्चन है dx अपॉन लीनियर रूट लीनियर, एग्जांपल बताऊं तो और ज्यादा हिट होना चाहिए। x माइनस वन इंटू अंडर रूट x माइनस थ्री, बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? कम ऑन सर, x माइनस वन को t रख के फिर t इंटू अंडर रूट t माइनस टू। नो बस
नेक्स्ट सर, एक्स माइनस थ्री को इक्वल टू वन बाई टी स्क्वायर रख सकते हैं। वन बाय टी स्क्वायर क्यों, वन बाय क्यों, क्यों सर फिर टी ऊपर चले जाएगा ना। और डायरेक्टली करो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार इनडेफिनेट बोल दिया ना बच्चों कि अंडर रूट हो तो सबसे पहले चीज तुम्हें क्या चेक करने ट्राई करनी चाहिए, रैशनलाइजेशन। अरे यार क्या गधों के टाइप बोलते हैं, अंदर वाले फैक्टर को टी स्क्वायर रखने का ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एवरीवन। डिड आई से दैट और नॉट? सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इज दैट क्लियर? यस सर। सो यहां पे यस यही करोगे कि लीनियर जो अंदर अंडर रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर रखूंगा, जैसे इस क्वेश्चन में x माइनस थ्री को टी स्क्वायर रखूंगा तो dx आराम से एडजस्ट हो रहे हैं सब कुछ, 2t dt अपॉन ये वाला फैक्टर t हो जाएगा, उसको t के टर्म्स में रखोगे t स्क्वायर प्लस 2 प्रोफाइल 5 के फॉर्मूला हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। केस 2 कौन सा लें? चलो यही लेते हैं, dx क्वाड्रेटिक रूट t लिए, व्हाट डू यू थिंक क्या करेंगे? x square plus 1 under root x minus 3 बताओ। x minus 3 को t square लेंगे। यस, अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, मैंने अभी वापस बोला कि कुछ और सोचो मत, लीनियर अगर है अंडर रूट के अंदर तो t square रखोगे, सुन लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन में कैसे डील होगा वो तुम खुद देखोगे। अभी थर्ड dx upon linear root quadratic, अब थोड़ा सा अलग है, कैसा है? dx upon x minus 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है? सही है ना सर, लीनियर को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, लीनियर को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी लिखेंगे बच्चे, बट वो क्यों करते थे हम ऊपर के लिए करते थे लीनियर को उसके डिफरेंशिएशन के टर्म्स में ताकि सब्स्टिट्यूशन वर्क करता, बट यहाँ पे नीचे है तो उससे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यस सर, ट्रिक और सब्स्टिट्यूशन ठीक नहीं यूं नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो उससे ये ऐसे तो ना होगा कि एक्स को क्या रखूंगा मैं, सेक्स स्क्वायर थीटा, नो ऐसा नहीं। वो तो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसका मतलब समझो कि अगर अंडर रूट ऑफ कभी वन प्लस एक्स आया और वो वर्क नहीं कर रहा है तो हम एक्स को टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, करेक्ट ना? यस सर। वो मेरा कहने का मतलब था, यूं नहीं कि वो वर्क नहीं कर रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक, नो यहाँ पे थोड़ा अलग है मैं बता देता हूँ, बट हैंडल तो हम लीनियर को ही करेंगे जब तक लीनियर है, मेरी याद बात रखना कि लीनियर हैंडल होगा, इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे जो मैं सब्स्टिट्यूशन रख रहा हूँ वो कैसे वर्क करेगा वो तुम क्वेश्चन में देखोगे, अभी हम नोट्स पर्पस के लिए लिख रहे हैं पहले, ठीक है? Yes, कि पूरे लीनियर टर्म को यहाँ पे टी स्क्वायर रखते थे, अब यहाँ पे पूरे लीनियर टर्म को 1 बाय टी रखते, मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या रखेंगे एवरीवन, x माइनस 3 को 1 बाय टी। ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ऊपर टी बन जाएगा, टी डी टी हो जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, वो क्वेश्चन में देखोगे। लास्ट केस, इसका भी सब्स्टिट्यूशन अभी हिट नहीं होगा, एक क्वेश्चन करोगे तभी हिट होगा, बट मैं एग्जांपल से यूं ही समझा रहा हूँ कि x square plus 1 under root x square minus 2 ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, क्या रखेंगे यहाँ पे? अब यहाँ लीनियर तो कुछ है ही नहीं रखने के लिए, करेक्ट? यस सर। पर क्वाड्रेटिक को कुछ रखने से फायदा होता नहीं है, करेक्ट? क्योंकि ऊपर कोई उसका dx सम तो है नहीं। yes, आया ना? yes, sir. यहाँ पे हम x को 1 by t वैसा ही कुछ है ऊपर, yes, t बनाने के लिए x को 1 by t, यहाँ तक कॉपी करो अच्छी तरह, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक एक प्रोफाइल के, सब प्रोफाइल के।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। यस सर, ये हो गया। हो गया कॉपी? यस सर। तो अगर लीनियर टर्म है तो पहले लीनियर टर्म हैंडल होगा, करेक्ट ना? यस सर। यस। और अगर नहीं है लीनियर तो फिर एक्स को 1/t रखोगे, करेक्ट? सिंपल। यस सर। यस सर। आई एम चेंजिंग द पेज। यस सर। करो दोनों क्वेश्चन। First question, I think almost done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue, continue. हो गया ना सबका एग्रीमेंट? यस सर। यस सर। यस सर।
सेकंड लास्ट 30 सेकंड्स सर या यहाँ पे लीनियर अंदर नहीं है क्या? सब्स्टिट्यूशन किया तुमने x प्लस वन को टी वन बाय टी वन बाय टी. शैल आई कंटिन्यू डूइंग इट शुड आई वेट मोर? सर स्किप भी कर सकते हो क्या? ओके सर ओके 30 सेकंड्स ऑफ. ओके कंटिन्यू और स्किप हो गया सबका तो बताओ. डन सर. सर सवाल कर दो ना हल्का सा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. dx ये आ गया तो ऊपर dx माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी एक्स प्लस वन की वैल्यू वन बाय टी वन माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली वन बाय टी माइनस वन दैट इज वन माइनस वन बाय टी. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 1 माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. एलसीएम ले लिया ये ऐसा आ गया. यस सर. सो अंडर रूट ऑफ 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा. यस सर. आई होप ऐसे ही कुछ हो रहा है राइट? यस सर. हाँ हो सकता है थोड़ी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट मेरे को तो लग रहा है यही आ रहा है और ये डायरेक्टली प्रोफाइल 5 का फॉर्मूला हो गया. क्लियर ना? यस सर. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. क्लियर पार्ट? यस सर. सर वो पहले क्वेश्चन में टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा ना? क्या कहाँ आएगा टी स्क्वायर? ये माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है? अच्छा वो क्लियर है. मैं डायरेक्ट ओके स्टार्ट दिस क्वाड्रेटिक रूट लीनियर. Yes.
यहाँ पे क्या करना है, क्या 180 रखना है, ऐसा कुछ रखना है क्या? करो करो चले, हो गया एवरीवन? यस सर। यस, किसी को डाउट है? नो सर। सर इन बार बस फाइनल आंसर बता दीजिए। फाइनल तो क्या याद है, देख लेते हैं फटाफट। dx is 2t dt over ये वाला टर्म t हो गया, जो t से कैंसिल हो गया। कोई बताओ भाई ये क्वाड्रेटिक? अच्छा, मैं थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से इसको सिंपलीफाई तो कर ही सकता हूँ। yes, मैंने भी ऐसे ही किया। yes, sir. तो फिर x plus 1 plus, तो क्या हो गया t square plus 1 और ये क्या हो गया t square plus 2, right? yes, sir. yes, sir. और फिर partial मतलब स्प्लिट कर दूं और क्या बस? yes, sir. yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। अब ये तो डायरेक्ट टैन इनवर्स के फॉर्मूला है। यस सर। करो लास्ट वन, कौन सा है ये? क्वाड्रेटिक टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक।
यस एवरीवन, हो गया क्या? यस सर, हो गया। जस्ट अबे, हाँ भाई करना है या हो गया लास्ट तक? हो गया सर। चलो एक बार मैं कर रहा हूँ पूरा, आप देख लो। x को क्या रखेंगे? 1/x। ये बेसिकली इसलिए करेंगे ऊपर t dt बनाना है ऊपर, क्योंकि ऊपर अगर x होता तो पता होगा मजा आ जाता ना, सब्स्टिट्यूशन कर देते फटाफट। यस सर, यस वो है नहीं, तो आप क्रिएट करने के लिए ये कर रहे हैं। x को 1/t, dx is -1/t2 dt, so -1/t2 dt divided by x square minus 1 will become 1/t2 - 1 LCM लेके इतना हो गया बच्चों। Yes sir। ये 1/t2 + 1 LCM लेके 1+t2/t हो गया, under root के बाहर। Yes। आया ना? Yes sir। Yes sir। तो देखो ये ही बच गया, ये ऊपर आएगा t dt बना देगा ना? Yes sir। t dt upon ये plus कर दिया मैंने t2 - 1 into under root of t2 + 1। अब ये question हो गया हमारे काम का, t2 + 1 is y square। Yes sir। dt is y dy, so integration becomes y dy upon ये वाला term हो गया कितना? y y sir। और t square is y square minus 1, तो ये हो गया y square minus 2। profile 5 from class, clear? Yes sir। Yes sir। Yes sir। कौन से ब्लड में कर लेना बच्चे, समझ लिया तो ठीक है, ठीक है? Yes sir। चलो miscellaneous question of this, दोनों क्वेश्चन करो miscellaneous। Yes। पहले वाले में क्या कर रहे हो बताओ सर, जो पहले रूट है उसको रूट। एक सेकंड, एक सेकंड, एक जा बोलो आयुष के अलावा कोई और बोलो दूसरे। x minus 3 को 1 by x minus 3 करेक्ट। मैंने क्या बोला था, लीनियर है तो बस रखो, अब वो स्टैंडर्ड नहीं अलग बात है, बट x minus 3 1 by t रखो। यस
हाँ भाई फर्स्ट वन तो हो गया। यस सर यस डाउट है तो लेट मी नो। नोबडी नो डाउट सर सब कर सकते हैं तो बोलो ना जल्दी। एक बच्चे dx is minus 1 by t square dt yes and integration कितना हो गया minus 1 by t square dt x minus 3 का whole cube 1 by t cube और अब इसको कैसे करते हैं x minus 3 का whole square plus 1 ध्यान से देख yes yes तो ये हो गया 1 by t square plus 1 that is under root of 1 plus t square upon t sounds good yes तो t square से ये टी बचा टी स्क्वायर हो जाएगा यस अब ये प्रोफाइल 7 में कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सर यस अभी हम प्लस 1 माइनस 1 करके हैंडल कर लेंगे ठीक है यस सर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा रहेगा मैंने शायद से कभी एक फंडा बोला होगा ये अंडर रूट के बारे में यस सर याद है चलो क्या बोला था रिपीट कर एनीबॉडी सर अगर ऊपर रूट रहेगा तो परेशानी दे रहा है तो नीचे में लिख के लाना क्या बात है यार ये तो सुधर रहा है बीच में गायब हो गया था ठीक इसके साथ एक और किसको याद था कौन बोल रहा था साथ साथ में मैं कुशल कुशल यस सर अंडर रूट न्यूमरेटर में वी डोंट प्रेफर एट ऑल अंडर रूट न्यूमरेटर में बलि सॉरी डिनोमिनेटर में बलि चलेगा क्यों क्योंकि न्यूमरेटर में अंडर रूट हुआ तो फिर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे आया ना यस सर यस सर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अब करो जो भी करना है
हुआ एवरीवन डन यस सर जाना चाहिए यार इसे क्या करा और इसमें तो अब डायरेक्टली क्या कर लूँ उसको टू प्लस माइनस वन करूँ हाँ सर वही क्या फिर उसके बाद वो प्रोफाइल किया तो वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक ये बचा टू प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये तो प्रोफाइल फाइव का फॉर्मूला है और ये अब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक हो गया दिख रहा है एवरीवन यस सर एक्स को वन बाई टी बताओ एन इश्यू हाँ सर मैंने इन दूसरे मेथड से किया मैंने x को tan थीटा लिख के किया उससे भी आ रहा है चलो आएगा आएगा बिल्कुल सही 1 plus x square demands that कि चलेगा वो यस और कोई डाउट किसी को इस पे नो नो सर चलो इनडेफिनेट इज डन रिकॉर्डिंग स्टॉप स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग ताकि अब डेफिनेट की चालू करेंगे यस सर अच्छा तो हो रही है आज तो मैं छोड़ दूं जल्दी बट नहीं यार सफर करेगा लिखो हेडिंग सही है सर कोई बात नहीं और दो सर राइट डाउन हेडिंग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डेफिनेट इंटीग्रेशन डायरेक्टली न्यूटन लेबनीज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं इसको यस सर इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द लिमिट ए टू बी एंड इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी देन डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी कैसे करते हैं बच्चों f of x और फिर a to b करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर यस बस मैंने फैंसी फैंसी नाम दे दिए हैं ये तो फिजिक्स में भी पता है ना एवरीवन हां सर जल्दी से कॉपी करो और ये आंसर निकालो एक बार यस सर तीनों निकालो Done, sir. One by x का integration क्या होता है वैसे? Sir, log of x. And mod x. Correct everyone? Yes, sir. Yes. Okay, I hope everyone now. Yes, sir. बाकी सबका भी हो गया है?
यस सर यस सर चलो कोई बात नहीं, अगर एक आध रह गया तो मेरे साथ देख लो। तो हम कैसे करते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला तुम सबको दिखा रहा है कि पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो इसका, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और लिमिट डाल दो, करेक्ट है एवरीवन? यस यस सर। 1 by x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ln mod x और फिर लिमिट डाल दी 2 टू 3, सो ln 3 माइनस ln 2 बिल्कुल सही आंसर। विश यू नो सर नो सर ln mod x minus 2 to 1, ln mod of 1, 1, minus ln mod of minus 2, 2, ln 1, 0, answer minus ln 2, correct? Yes, sir. Okay. Done, sir. बिल्कुल गलत आंसर है ये, इसलिए तो दिया है ना लाइक को तो समझते हैं क्या है कीवर्ड, एनीबॉडी? The function is continuous. हाँ, 1 by x is not continuous in minus 2 to 1. कहाँ पे discontinuous है everyone? 0%. 0. तो direct ऐसे नहीं कर सकते, इसको हमें integration की limit को break करना पड़ेगा, जो आगे आके मैं सिखाऊं। We have to break the limits, बस इतना लिख के अभी छोड़ सकते हैं। Yes. Direct formula नहीं लगेगा, अभी तक सिर्फ इतना समय। Is that clear? Yes, sir. Copy करो। क्या आगे पढ़ रहा हूँ मैं, आई होप हो गया। यस सर यस सर ओके। लिखो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द एरिया ऑफ द कर्व, या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यस सर। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक के टर्म्स में सोचेंगे तो बहुत इजी प्रूफ लगेगा, सोचने में अच्छा लगेगा। यस सर। चलो कितना बंद करो मेरे साथ, लेट्स से इंटीग्रल 0 टू 1 x dx, लेट्स से नेक्स्ट 0 टू 3 x dx, लेट्स से माइनस 1 टू 3 x dx, लेट्स से लास्ट में माइनस 3 टू 3 x dx। तो चारों में मैं इंटीग्रेशन से भी आंसर निकालूंगा और एरिया अंडर द कर्व से भी आंसर निकाल के दिखाना चाहूंगा। क्लियर यहां तक? यस सर। 0 टू 1 x dx मतलब कर्व कौन सा है, f of x कौन सा फंक्शन है अभी का? So y equals to x. y equal to x का कर्व बनाया मैंने, 0 टू 1 में लिमिट्स एंटर कर दी है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये इंटीग्रेशन का एरिया इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट, शेडेड पार्ट। यस सर। क्लियर है? यस सर। इसका एरिया कितना है, हाफ इनटू बेस इनटू y equal to x है, तो x equals to 1 पे इसके कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 1, सो आंसर 1 बाय 2, राइट? यस सर। यस सर। और न्यूटन लेबनीज जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से x square by 2, 0 to 1, उसे भी आंसर क्या हो रहा है? हाफ। तो अभी तक फर्स्ट एग्जांपल से कुछ ऐसा कंक्लूड हो रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द कर्व विद x एक्सिस, कैन आई से लाइक दैट? यस सर। लेट्स कंटिन्यू। 0 to x dx ये 0 to 3 तक चलेगा और इसी एरिया को निकल जाएगा, चलेगा ना एवरीवन? यस सर। यस। थर्ड एग्जांपल, अब थोड़ा सा डिफरेंस, माइनस 1 टू 3 x dx, ये कर्व बनाया मैंने, 3 यहाँ पे कहीं है, 3 पे वैल्यू 3 कॉमा 3 है, माइनस 1 यहाँ पे कहीं है, माइनस 1 पे वैल्यू कितनी है? 1 सर। अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस, तो तुम क्या बोलोगे? a1 plus a2 एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। एरिया तो ऐसे ऐड ही करते हो ना, एरिया सब्ट्रैक्ट करते हो, एरिया तो क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड, एवरीवन? यस सर।
तो एरिया में पूछू टोटल शेडेड का, तो तुम क्या बोलोगे? इसका एरिया सर प्लस इसका एरिया, यही तो बोलोगे एवरीवन? यस सर। सो ए वन का एरिया हाफ इंटू वन इंटू वन, ए टू का एरिया हाफ इंटू थ्री इंटू थ्री, साउंड्स गुड? यस सर। एन बाय टू दैट इज फाइव, बट इंटीग्रेशन निकालोगे तो आंसर क्या लगता है तुम्हें, या जितनी भी नॉलेज है वही आएगा क्या, फाइव आएगा क्या? नहीं सर। क्या आएगा देखें, माइनस वन टू थ्री एक्स डी एक्स, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन टू थ्री, थ्री स्क्वायर बाय टू तो आया जो यहाँ पे भी दिख रहा है। यस सर। तो फिर माइनस वन स्क्वायर बाय टू आ गया, दिखा एवरीवन? हाँ सर। यस सर। बताएगा ऐसा क्या हो रहा है, क्या चेंज क्यों है, डिफरेंट क्यों आंसर? Opposite sides of the x-axis. So in definite integration doesn't represent area under the curve. It represents algebraic area under the curve. सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. It represents algebraic. Algebraic पत्थर ऊपर है तो plus part में आएगा, नीचे है तो minus negative में आएगा. Algebraic area of the curve bounded with x-axis from x equals to a to x equals to b. क्लियर है बच्चों? Yes sir. So, अगर yes. मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाले बिना इसका आंसर निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन का आंसर विल बी व्हाट, a2 तो प्लस में आएगा, a1 किस में आएगा बच्चों? प्लस माइनस में. क्लियर ना एवरीवन? Yes sir. इंटीग्रेशन वेल एरिया विल बी a1 प्लस a2. यस Yes, sir. But integration will be a2 minus a1. Why minus a1? Because a1 itself is negative. Yes, sir. नीचे की तरफ है? Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं, fourth example, minus 3 to 3 x dx, integration के formula से तो आ ही जाएगा. But तुम concept wise answer बताओ. कौन? Zero. Zero. जल्दी से agree करो all of you. Yes, sir. Zero. A2 area है. एरिया बाउंडेड तो a1 plus a2 है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? सर जीरो. माइनस a1 plus a2 और दोनों सेम है, इसलिए जीरो. बिल्कुल क्लियर? यस सर. तो एग्जांपल ऊपर कॉपी करने की जरूरत नहीं, पछतानी चीज है. सो इफ आई गिव यू कर्व, x equals to a ऐसे है, x equals to b ऐसे है, ये पार्ट एरिया a1 है, a2 है, a3 है, a4 है और a5 है. एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x equals to a to x equals to b कितना है एवरीवन? सर जीरो हो जाएगा. a1 एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा बच्चों मैंने. a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 करेक्ट आर नॉट एवरीवन? एरिया अंडर द कर्व. यस सर. तो यही होगा ना बच्चों? यस सर. यस सर. अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं a to b f(x) dx तो क्या आंसर होगा उसका, बोलते जाओ. जीरो. जीरो. साइन होगा या सिमेट्रिक कब होगा तो है, अभी मैंने कोई ऐसा बोला नहीं था कि ए थ्री ए फाइव बराबर है. ओके काफी कॉपी करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बस उतना ही कॉपी करो. यस सर.
है क्या ये वाला? डन सर। डन हो गया? यस सर। देखो सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन जल्दी से ये सॉल्व करो गलत। सर डी क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं याद नहीं चला। डेफिनेट स्टार्ट करने से अच्छा डाउट्स के ले सकते थे प्रैक्टिस शीट पे। यस एनर्जी डाउन है अभी। हो गया सबका? यस सर। डन सर। ओके तो इस क्वेश्चन में सबने क्या सब्स्टिट्यूट किया? एवरीवन द साइन इनवर्स एक्स को टी। साइन इनवर्स एक्स को टी तो ये टी और बाकी सब डीटी हो गया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है तो अंडरस्टूड था ना? यस सर। सो एक्स को 0 डाला तो साइन इनवर्स 0 इज 0 तो टी इज 0। जब एक्स को 1 डाला तो साइन इनवर्स 1 इज π/2। तो टी स्क्वायर बाय 2 0 से π/2 सो पाई स्क्वायर बाय 4 * 2 8 is answer. Going out? No sir. करो थर्ड एक बार सेकंड यू एक दो स्टेप लिखो। यस सर। चलो
आई होप सबने वही सोचा होगा 10x को टी रख के। हाँ भाई यस सर 10x को टी रख के करते हैं ना हम। यस x पर x dx तो क्या होता था dt ओवर 9 प्लस t स्क्वायर करेक्ट एवरीवन। यस सर बट देखो इशू क्या आ गया इसमें सर 10 इज नॉट डिफाइंड इन तो 0 से 0 आ गया। हां है ना। यस सर यस सर यहां पे क्या मिस हुई है π/2 कैन नॉट कंटीन्यूअस। 10x को t रखते वक्त सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ध्यान रखना है कि दैट शुड बी कंटीन्यूअस इन द इंटरवल a टू b शुड बी कंटीन्यूअस बट कंटीन्यूअस है नहीं 0 टू π में π/2 पे डिसकंटीन्यूअस होता है। हां है ना। यस सर तो देयरफॉर कम सम मिस्टेक ऐसा नहीं कर सकते वापस ब्रेक करना पड़ेगा जो आगे सीखेंगे कैसे करना है क्या करना। व्हाट इट एवरीवन। यस सर तो लिख लो नोट जल्दी से एक नोट 10x equals to t should be continuous तभी सब्स्टिट्यूशन ऐसा रखोगे अदरवाइज वो गलत। यस सर ओके आई होप सबका हो गया। आप मेरे साथ एक और क्वेश्चन देखो तुम्हें पता है क्वेश्चन नहीं बस मिस्टेक्स के लिए दे रहा हूँ। साइन एक्स इनटू कॉस एक्स डीएक्स दिख रहा है एवरीवन। यस सर ये प्रॉपर क्वेश्चन बना नहीं बना मुझसे मुझे नहीं पता बट मैं एक बार बस ट्राई करके बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है मान लो। तो हमारा ट्राई क्या होता है कि अच्छा ये ऑड पावर है तो साइन एक्स को टी रख दें कम ऑन। यस सर कॉस एक्स डीएक्स डीटी हो जाएगा सही है बच्चों। Yes, sir. वापस क्या हो गया 0 टू 0 देखो। Yes, sir. वापस कुछ ना कुछ सो फॉल्ट है ना। हाँ सर तो क्या फॉल्ट है वापस लिखो। व्हेन वी पुट सब्स्टिट्यूशन वी शुड एंश्योर दैट फ्रॉम ए टू बी दैट सब्स्टिट्यूशन इज वन वन फंक्शन। साइन एक्स क्या 0 टू पाई में 1 1 होता है मेनी 1 होता है बच्चों। सर मेनी 1 है मेनी 1 तो वो मत रखो वापस ब्रेक करके करना पड़ेगा 0 टू पाई बाय 2 के बीच। ओके सर हां जो आंसर होगा यार बच्चों क्या कि क्वेश्चन का आंसर निकालना पर्पस था क्या एवरीवन। नहीं सर ये नोट को और इस मतलब नोटिस नोट करना नोट समझना है तो डोंट वरी अबाउट कि इसका आंसर क्या है जो आएगा वो आ जाएगा। सर ये वाला भी बस ब्रेक करके होगा ना। यस बट cos x को t रख के भी कर सकते हो बस बट cos x को t रख के नहीं होगा सॉरी सर नहीं होगा सर उसमें भी तो मैनी वन हो जाएगा। Done, sir. सबका हो गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Substitution की प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन करके दिखाओ बाकी होमवर्क के लिए कर लेना फर्स्ट वाला करके दिखाओ। Thank you.
सर इसमें पूरे फंक्शन को टी रखना है कि मतलब कि सिर्फ जैसे कि हम लोग इंडेफिनिट में जो टी रखते थे वैसे ही? बस यही समझाना चाहता हूँ कि इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन है, तो सब थोड़ा सोचो क्या रखूंगा बच्चों, ऊपर cos x है तो किसको टी रखूंगा? 1 plus sin x को, 1 plus sin x, तो sin x को या 1 plus sin x किसी को भी टी रखूंगा। यस सर, 0 टू पाई बाय 2 में वो 1 1 ही होता है इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यस सर, यस सर। डन सर, आंसर लिख चैट पे। ओके हर्ष, थोड़ी मिस्टेक लग रही है। नहीं सही है, आई थिंक हाँ करेक्ट है, करेक्ट हर्ष करेक्ट है, पार्थ करेक्ट है, यश करेक्ट है, गुड। डिस्कस कर लें अब फर्स्ट वाला। यस सर, हां सर, यस सर। आंसर इज ln 4/3, 1 plus sin x को t रखा, x को जरा के 1 हो गया, ये 2 हो गया, dt ओवर t into what, t plus 1 स्प्लिट कर दिया, करेक्ट ना? यस सर, 1 से 2, 1 से 2 ln कंटीन्यूअस होता है 1 से 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ln 2 minus 0 minus ln 3 minus ln 2, 2 ln 2 minus ln 3, clear everyone? Yes sir. Yes sir. चलो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए करना, और थर्ड क्वेश्चन अच्छा है वो होमवर्क के लिए और करके आना, तो ना आज मैं टायर्ड हो गया हूँ, सो आई एम रैपिंग अप ऑल। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो बाय बाय बच्चों, थैंक यू सर। Thank you, sir. Recording bye stopped. Bye, sir. Thank you. Bye, bye, everyone.